नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर। आप देख रहे जनता शक्ति यूट्यूब चैनल। जींद जिले का गांव रायचंदवाड़े में आज साइयाँ पर जो दादा खेड़ा एक पुराना रीति रिवाज है कि नगर खेड़ा जो गांव की बसासत है उससे पहले दादा खेड़ा को मानते हैं। कोई भी शुरू में काम करते उसी में नगर खेड़े की शुरुआत भी करते और लास्ट में जय भी उसी की बोलते। आज वही नगर खेड़ा दादा खेड़े के नाम से जो पहले पुरानी मंडी थी वो दोबारा नई बनाई गई है और गांव ने किस किस के सहयोग से बनाई है। और एक जो पहले जो मंडी थी उसमें एक चीज़ की वो तस्वीर नहीं थी, वो भी अब ले आए हैं। जो खागड़ की मूर्ति है वो भी जयपुर से बढ़िया पत्थर की ले आए हैं। कैसी ले आए हैं और किस किस का इसमें सहयोग आप इनने मिला है और कितने आदमी की कमेटी आज वो सारी जानकारी आपने देवांगे। और इस वीडियो को पूरा शेयर करना, आज इस वीडियो जो दादा खेड़े का नाम पर ये वीडियो है पूरी शेयर करना। और कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, वो कब ये निकालेंगे कैसे ये निकालेंगे वो भी आपको पूरी जानकारी। थोड़ा आगे आ जाए सुरेश भाई। भाई नमस्कार जी, अंकल जी। हाँ जी, आपका नाम है? चंद्रभान। आप कमेटी में मेम्बर हो इसमें? यस, मेम्बर हूँ। तो जो ये थोड़ा पीछे ले, जो ये आपने नगर खेड़े की शुरुआत करी कब से करी थी? ये करी थी 26 फरवरी 2023 से। पहले यहाँ पर बना हुआ था। ये छोटा था, इसके अंदर पानी घुसता था जी बरसात का, तो इसलिए ऊपर उठा गई है। और गांव के सहयोग से बहुत बड़ा अच्छा बनाया, पूरे गांव का सहयोग लिया। अब इसमें जो आपने बनाया यो, इसमें पहले क्या क्या चीज़ थी, अब क्या क्या रखो? जो कुछ पहले था वही बनाया, पीर भी था इसमें, पीर भी वही स्थापित किया हमने। और दादा खेड़ा भी हमने ऊपर गुमंद बनाया अलग से जी, बाकी वैसे खागड़ की तस्वीर भी अलग से करी है जी। तो पूरे गांव का सहयोग मिला आपने बाहर से? पूरे गांव का सहयोग मिला बिल्कुल, कितना गरीब आदमी अमीर हो सबका सहयोग मिला। सबका सहयोग है। कितने आदमी आप कमेटी में? कमेटी में हमें 22 आदमी। तो पूरा तय दिल से सहयोग? सबका सहयोग है। मूर्ति कहाँ से ले आए जी आप? ये मूर्ति जयपुर से बनवाई है जी। सारे तो कितनी ऊंची है? न्यूज चैनल वालों को सभी को राम राम, जो भी देखने वाले भाई हैं दर्शकों को, रायचंदवाड़ा कमेटी की तरफ से। और ये जो पत्थर है मकराना से ले आए थे, मूर्ति जयपुर से। तो कौन सा पत्थर है ये? संगमरमर का पत्थर है सारा दादा खेड़ा। आप दिखाओगे तो आप इस साइड देखोगे, काम अभी चल भी रहा है। और मकराना के पत्थर की मूर्ति बनवाई है। कितने का वजन होगा इस मूर्ति में, कितनी बाई? इसमें 10 मन के आसपास वजन बताया था। आपका नाम? मेरा कप्तान नंबरदार। और भी कोई आज जैसे आपने कलश यात्रा निकाली आज आपने, तो इससे और भी कोई आप यात्रा निकालोगे? कोई मूर्ति पूजा शोभा यात्रा? शोभा यात्रा निकालेंगे। ये शोभा यात्रा तो निकाल दी हमने आज जी। लेकिन कलश यात्रा निकालेंगे कल जी। पंडित जी, आज जो आपने शोभा यात्रा निकलवाई, इसमें किसको क्या किया आपने? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल वालों को और देखने वालों को हमारी तरफ से राम राम नमस्कार। और बड़ा तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं। आपने ये न्यूज़ छपाई है और आपने ये इतनी बढ़िया खबर दी है नगर खेड़े की। दूसरी बात, 23 तारीख से स्टार्ट है प्राण प्रतिष्ठा, आज जो है इसकी शोभा यात्रा थी। शोभा यात्रा से गांव के जो जो देवता, सभी चारों तरफ से देवताओं को, उनको का हमने निमंत्रण दिया है सभी ब्राह्मणों के द्वारा और सभी नगरवासियों के द्वारा। वो निमंत्रण देने के बाद यहाँ पूजा स्टार्ट की है और 5 दिन तक लगातार पूजा चलेगी। 26 तारीख को लगभग 11 बजे के आसपास जो है इसकी मूर्ति को जो गांव के चारों तरफ परिक्रमा करवाई जाओगी, उसके बाद इसको स्थान दिया जाएगा। 27 तारीख को सुबह इसका हवन और भंडारा होगा जी। जो आप शोभा यात्रा निकाल रहे, उसमें जो कलश लेके आएंगी औरतें, वो कैसे कपड़े पहन के आए या वैसे आ सकती है, कोई उनका पहनावा बता दे पंडित जी? बताओ। जो औरतों को पहनावा दिया गया है, सिर पे लाल चुन्नी, नीला और काला वस्त्र पहन कर नहीं आएंगी, नहा धोकर मतलब शुद्धता से आएंगे। और अपना कलश साथ में लेकर, मिट्टी का हो या तांबे का हो या मतलब स्टील का हो, उसमें एक एक
नारियल पानी वाला, एक लाल चुन्नी छोटी वाली, दो दो केले 11-11 रुपए जो उनको बाद में झोली में दिए जाऊंगे, वो और एक एक आम की डाली, वो कलश यात्रा में होंगी। और जितना भी गांव है, मैं बड़ा गांव का बड़ा धन्यवाद करता हूं, बड़ा शुक्रगुजार हूं, भाई इस गांव ने तन मन और धन से खूब सहयोग कर रखा है। और आप प्रत्यक्षदर्शी हो, आप अपना कैमरे से देख लेना, भाई मकराने का पत्थर जयपुर से लिया गया, मकराने वाला पत्थर एक नंबर का पत्थर लग रहा है। और मैं बड़ा तहे दिल से इन सभी का धन्यवाद। 8 कलश का हमारा उद्देश्य है, वैसे तो नगर खेड़े की मर्जी है, 108 की बजाय हो सकता 208 भी हो जाए, 216 भी हो जाए, नगरी बड़ी है, बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। 26 तारीख को परिक्रमा का वो है, हमारा टाइम है, जो कि निश्चित कर रखा कमेटी के साथ मिलकर के, नगरी के साथ मिलकर के। और 26 तारीख ने सभी का करके प्रोग्राम यहाँ, 26 तारीख ने दोपहर के बाद शाम के मुहूर्त में इसकी क्षेत्रपाल की प्रतिष्ठा करी जाओ, जो नगर खागड़ जो गांव वाले लेकर आ रहे हैं उसकी प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद सुबह इसका महास्नान करवा करके, तद उपरांत उसके बाद 27 तारीख को जो है सुबह हवन करेंगे और भंडारा जो भी जैसा भी नगरी करेंगे वो भंडारा करेंगे 26-8-2023 को जी, और 27-8-2023 सुबह 9 बजे के लगभग आसपास हवन करेंगे जी, इसकी दया से और इन नगरी के सहयोग से जी। नंबरदार जी, जैसे इनने कहा 108 208 भी हो सकती है, यानी कि इससे ज़्यादा भी हो सकती है? हाँ, ज़्यादा भी हो सकती है, पूरा गांव का सहयोग है, हर घर से भी कलश आएगा, तो आप देख लेना 600-700 कुड़ी का गांव है, तो आप 600-700 भी हो जाएंगी, उसमें एक कुड़ी में ज़्यादा भी सदस्य रहते हैं परिवार में, तो यानी कि एक आज पूरा खुशी का माहौल है जो शोभा, पूरा गांव खुश है, एक पुनर्निर्माण हो गया दादा खेड़ा का, जैसे पहले इसका लेवल था वो नीचा था, बरसात का पानी नीचा आ गया था, अब हाइट भी दे दी है, पत्थर भी हो गया एकदम, पूरा गांव ने सहयोग करके इतना पैसा लगा के अरे एकदम बढ़िया दादा खेड़ा तैयार कर दिया है, जो दूसरे भी देखेंगे आप जैसे भाई न्यूज़ वाले भी आओगे कहीं कहीं मिलेगा इस प्रकार तैयार किया है। सबसे ज़्यादा को एक नुकहते गांव में किसी को चाह होता है सहयोग का, जो सबसे ज़्यादा सेवादार आप किसको मान हो इस गांव में? देखो मैं पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, पूरा गांव का साथ रहा है, पूरी कमेटी ने मिलकर काम एक डट के काम कराया है, हौसले के साथ में, अपना जो निजी काम है वो छोड़ के, और दादा खेड़े की जो भी टाइम पर काम करने का टाइम निकाल के और बढ़िया तरह काम कराया है। देखियो जो दादा खेड़ा की परिक्रमा जो कमेटी थी उससे आपने मिलवाया, और आगे क्या क्या होगा और कैसे मूर्ति स्थापना होगी, कितना बढ़िया ये, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो दादा खेड़ा की मान्यता रखता है इस वीडियो को आज 1 लाख से ऊपर शेयर होने चाहिए इस वीडियो को। और कितना अच्छा, और कितना अच्छा पत्थर गाँव रायचंदवाड़ा ने, एक पुरानी यादगार थी जो पहले इसके अंदर पानी घुसा था, आज इसकी कुर्सी भी ऊंची उठाई और संगमरमर का पत्थर पूरे गांव के सहयोग से लगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। Thank you.
ना इतना तो नंदा दे ब्रह्मा शांति जोत लगाओ जी ओम चंद्रमा मन सो दो दाने निमंत्रण स्वीकार करो बाबा आप भी शामिल हो दसम की रखती है श्री गुब्बा जहर वीर महाराज देवता इदम तो चंद्रमा मन सो जात सोहे पुरजो अजायत ऐसा सीधी बारे जाओ Thank you.
सारा काम की you
उरली साइड ना उरली साइड करवा पूरा दरो फिर ओडा सही रवा।